रह गई ये चूड़ियां हैं? कहां से काटूं? धागा दे। जब ही चीक रहे हैं पता नहीं क्या चीक रहे हैं, अल्लाह के सूझ पैर भी। हाँ इसका तो पैर भी इतना लंबा हुआ हुआ है। कैसे कर देख ही मत, सही से काट। बदबू सी आ रही है इसे से। मर गई है। मर गई है ये? एक काट, एक तो मर गई। बच्चा है ये? मैं तो समझ में नहीं आ रहा। दादी बच्चा है? देख रहे हो इसका सारा लंबा हुआ हुआ है पैर। दादी बच्चा है? दोनों में लग गई। मैं भी तो कह रही चुड़ियों की आवाज बहुत आ रही है। छोटी वाली कैची लो, बड़ी है। उसका तो पैर गया। तो ये चिड़िया छत पर फंसी हुई थी, इसने अपना नेस्ट बनाया हुआ था उसी में ही ये फंस गई थी और ये बहुत जोर जोर से चीख रही थी, तो जाकर देखा तो ये फंसी हुई थी। ये नीचे लेकर आए हैं हम रेस्क्यू के लिए। बच्चा कहाँ से आ गया? इमेजिन है नाक में बहुत खतरनाक स्मेल आ रही है इसमें से। A few moments later. चुड़िया। पेन हो रहा है इसके? पैर इसका गया है ना? अगर हम इसकी केयर करें तो। अरे कहाँ गई? नीचे गई। अरे उड़ गई। आयत रुको, आयत दादा जाएंगे। नीचे प्लाई के नीचे अंदर कहाँ? ये सही हो जाएगी अब खुद ही ऊपर जाके। अभी रिकवर उसकी माँ कर रही है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सभी लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और जैसे कि आपने देखा, हमने एक चिड़िया को रेस्क्यू करा था तो वो ठीक है और उड़ रही थी। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे रिकवर होने में। और उसके बाद हम बनाने लगे हैं कीमा, और ये अम्मी चढ़ा रही थी और मैं बना रही हूँ वीडियो। इसमें हमने ऑयल में सॉटे कर लिए हैं अनियन, चॉप्ड अनियन और ग्रीन चिलीज डाली है, और कुछ नहीं डाला है इसमें अभी। और उसके बाद हम ये ड्राई स्पाइसेस डाले हैं। सबसे पहले डाला सॉल्ट, उसके बाद ऐड करी टर्मरिक पाउडर, और रेड चिली पाउडर हमने ऐड नहीं करा बिकॉज हमने ये टोटली आज बनाया है ग्रीन चिलीज में। हमने सिर्फ हरी मिर्च डाली है और कुछ नहीं डालना, और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें हमने मिंस्ड मीट लेना है, बिल्कुल मशीन वाला निकला हुआ कीमा लेना है, उसी का ही ये कीमा बनेगा। और आज हम स्पेशल अमरोहा की डिश बनाने वाले हैं, कीमे के समोसे। और दूसरी तरफ मेरी चाय रेडी है, साथ साथ चाय भी पी रहे हैं और खाना भी बन रहा है। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना ये। सो थोड़ा सा सॉटे हो गया, हमें बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी है। अनियन ऐसे ही रखनी है, हल्के से सॉटे करनी है और ये कीमा डालने। वैसे आज मैं एक बात और बता दूं कि हम इसे कुकर में नहीं बना रहे हैं, हम इसे खोलकर ही बनाएंगे। आप कुकर में भी बना सकते हैं, दो विसल लेकर आप उसको लिड हटा दीजिए और लो फ्लेम पर खोलकर ही बनाइए। हमने इसे लो फ्लेम पर ही रखा है और ऐसे ही तैयार हो जाएगा। A few moments later. अराउंड 20-25 मिनट्स हो गए हैं और कितना अच्छा रेडी हुआ है, बिल्कुल खिला खिला, एक एक दाना अलग अलग, ऐसा ही अच्छा लगता है कीमा, बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। 5 मिनट और दम में दे दिया था मैंने इसे, अब ये टोटल रेडी है सर्विंग के लिए। और मैंने डिश आउट कर लिया है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और उसके बाद मैं इसे स्टफिंग कर सकूँगा समोसों में।
अब हम इसे गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव से, और इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी लगती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, बट बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मैं ऑयल ऐड करती हूँ कुक करने के लिए, और एज़ यू ऑल नो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ मैं हमेशा। दूसरी साइड हमारा आटा रेडी है, ये मैंने फर्मेंट किया हुआ कर लिया था। इसकी मैं अलग रेसिपी आपको रिकॉर्ड करके बताऊंगी कि फर्मेंटेशन कैसे करते हैं, अगर हम आटे को खमीर बनाना हो तो कैसे करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्ट में। मैंने इसमें 2 स्लाइस ब्रेड के डाले थे, मैंने यीस्ट यूज़ नहीं करा था, यीस्ट मुझे नहीं था मेरे पास और मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ 2 स्लाइस ब्रेड के डाल देती हूँ और थोड़ा सा वार्म वाटर से इसे हम नीट करेंगे तो सही हो जाता है। ये थोड़ा सा मैंने और नीट कर लिया था, अब ये प्रॉपर रेडी है यूज़ करने के लिए। हल्दी, नमक और वार्म वाटर और 2 स्लाइस ब्रेड, बस ईजी सा है। उसके बाद मैंने इसे ओवन में रख दिया था। अब बहुत ज़्यादा खमीर हो गया था, मैंने ओवरनाइट रख दिया था इसे ओवन में। 4 to 5 hours के लिए रखना सही है, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, बट मैंने होल नाइट रखा था, बहुत अच्छा फर्मेंट हो गया था ये। अब आप धीरे धीरे ऐसे, मैं पॉलीथीन रख लेती हूँ, पॉलीथीन पर ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फर्मेंट हुआ हुआ होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा हाथों से निकलता है, ये वाला जो आटा होता है बहुत मुश्किल से हैंडल होता है। तो हम इसे पानी लगाकर हम इसे छोटा सा लेकर स्प्रेड कर लेंगे आटे को, उसके अंदर फिर हम ये स्टफ़ करेंगे कीमा, और ऐसे कर कर हम इसे फोल्ड कर देंगे और दे देंगे एक समोसे की शेप। पानी लगाकर ही हम साइड में से इसे उठाएंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा और टूट जाएगा। बहुत लो फ्लेम पर इसे बनाते हैं क्योंकि थोड़े से देर लगती है इन्हें फ्राई होने में, और शैलो फ्राई तो नहीं कर सकते, इसे हमें डीप फ्राई करना पड़ेगा, नो ऑप्शन, और लो फ्लेम पर ही बनाएंगे, बहुत ही अच्छा बनता है। और ऐसे ही मैंने दूसरा भी बना लिया था, जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। और गरम गरम खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, खुद भी खाइए, सब बहुत खुश हो जाएंगे। एक मिनट रुको, मैं ही बना रही हूँ, बन गए, नहीं कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाइए, बन गए। और यहाँ मैं बच्चों को सिपारा पढ़ाने, कप्पी आती हैं उन्हें दे रही थी, जल्दी से वो जा रही थी तो उन्हें रोका था मैंने। यो द गाइस, मैंने सिपारा पढ़ लिया है, व्हाट्सअप गाइस, पढ़ लिया। हाँ, बाल तो खराब नहीं है भाई, हो रहे हैं, हो रहे हैं, चलो अब देखो लेकर आएंगे, चलो 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 खा के बताना कैसे हैं, बैठ जाओ तुम दोनों भी, कल मत दिखाना। यहाँ पर मैं एक टिप और देना चाहूँगी, इन समोसों के साथ ग्रीन चटनी ही अच्छी लगती है, पुदीने की, कोरिएंडर लीव्स, जीरा, सॉल्ट, लेमन पाउडर, लेमन जूस और अचार। ये आपके लिए है, आप ये आपके लिए हैं, अभी और नहीं लो, ये ठंडे हो रहे, मैं गर्म दूंगी। और ये हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा सिक गया है या याद की वजह से। माता आप बताओ, इट वाज सो गुड मोमेंट, लेके हम खा के देखते हैं, अब इसे रख देता हूँ। हिमात, इट वाज गुड, हां गाइस मैं चटनी लेके आई, बहुत टेस्टी लग रही है, इट वाज गुड। दादा को देखाओ, जाओ जाओ, तो गाइस अब मैं जल्दी जा रही हूँ दादा को। दादा जी, ओए ये क्या लाया, ए अय्यू भाई क्या लेके आए, हां टेस्ट करके बताओ। अच्छा बहुत बढ़िया यार, मैंने बनाए, मैंने यार किसने बनाए, मैंने यार, यस अच्छा जी, साइड में हो, बताओ, बहुत अच्छा है, गुड। टू आवर्स लेटर, खा लिया, कैसे लगे, क्या खाया आपने, क्या खाया आपने,
चाय के समोसे है इमाद, चीनी के समोसे। इमाद आपको कैसे लगे? गुड 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 ग